16 से 17 वाला मॉडल था। फ्रंट बोनट चेंज है, इसके साइड फेंडर चेंज है, हेडलाइटें चेंज है, हेडलाइट के बाद की फ्रंट ग्रिल चेंज है। रेडार वाला लोगो बहुत ही खूबसूरत जो इन्होंने इंस्टॉल करवाया। 360 कैमरे तो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। साइड मिलर 2023 मॉडल वाला लगा दिया गया और इसके नीचे उसी तरह कैमरा 360 लगा दिया गया। कैमरे मेरे दिखा रहे हैं कि फ्रंट लुक दिखा रहे हैं, इसी तरह साइड प्रोफाइल भी दिखाते हैं, इसी तरह बैक प्रोफाइल भी दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत लुक है यार। घड़ी भी इसके अंदर आती है, इंस्टॉल है, बड़ी खूबसूरत लुक है। टीवी टेस्ला जैसे लैंड क्रूजर नया देखें, इसके अंदर तस्वीर है और ये ओरिजिनल लैंड क्रूजर का है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे आप लोग जानते हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे गाड़ियां दिखाते हैं आपको, लेकिन आज हमने ऑटो चैनल वन की टीम ने ऐसा लैंड क्रूजर तैयार कर लिया जो पूरे पाकिस्तान को इंतजार था जिस गाड़ी का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो गाड़ी तैयार कर ली है फाइनली। वो क्या चीज़ है इस गाड़ी में ऐसी जो मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को इंतजार था। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे दिखाएंगे, फाइनल रिव्यू शुरू करेंगे गाड़ी का बिल्कुल किसी बात के बगैर। 2016 से 17 वाला लैंड क्रूजर था ये, इस्लामाबाद से ये गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी उनकी एक गाड़ी बनाई थी, उन्होंने फिर हमारे पास एक गाड़ी भेजी हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार की है उसको और पूरा उसी तरह लाइक किया जैसे 2023 मॉडल का लैंड क्रूजर है। रोड पे चलते हुए अब ये ऐसे ही लगेगा कि जैसे लैंड क्रूजर 2023 मॉडल जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत से गाड़ियाँ दिखाते हैं ऐसे 98 मॉडल, 2000 मॉडल, 2005 मॉडल। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ऑटो चैनल वन की वो जॉब बन चुकी हुई है और फाइनली हमने अब नए मॉडल की गाड़ी यही थी सर, उसको भी करना जॉब है हमारी, तो आज उसको किया है 2016 से 17 वाला मॉडल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर फ्रंट शो से जो जो हमने चेंज किया उसकी बात करें तो फ्रंट बोनट चेंज है, इसके साइड फेंडर चेंज है, हेडलाइटें चेंज है, हेडलाइट के बाद इसकी फ्रंट ग्रिल चेंज है। फ्रंट ग्रिल के साथ साथ दिखाता जो तो रेडार वाला लोगो बहुत ही खूबसूरत जो इन्होंने इंस्टॉल करवाया। इसके साथ 360 कैमरे तो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं, ये खाली फ्रंट पे नहीं लगता, ये बैक पे भी लगता है और साइड प्रोफाइल पे भी लगता है। आगे जाकर मैं वीडियो में वो भी दिखाऊंगा आपको। इसी तरह नीचे बॉडी किट जो आपको पता है ऑटो चैनल वन हर गाड़ी को इंस्टॉल करता है, क्योंकि कई अदारे इस गाड़ियों को फिट नहीं करते और ये कहते हैं कि भाई जान वो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ये क्योंकि मुकम्मल कम्बो पैकेज में आते हैं। ऑटो चैनल वन इनको भी इसको भी लगाता है। अभी चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ और फिर साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं अलॉय रिम, जो गाड़ी की जान होते हैं। मैं हर गाड़ी पर बोलता हूँ कि जेन्युइन 2023 मॉडल के अलॉय रिम है। इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिएगा और अपने कमेंट में बताइएगा हमें कि मैं बात सच कह रहा हूँ। इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं आगे, तो इसका ये साइड मिलर 2023 मॉडल वाला लगा दिया गया और इसके नीचे उसी तरह कैमरा 360 लगा दिया गया। आपको साइड प्रोफाइल भी दिखाएगा गाड़ी के ऊपर बैठ के कि आपकी गाड़ी साइड से कितनी हाइट है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। उसी के साथ साथ इसके हैंडल क्रोम लगाए गए हैं। नीचे देखा जाए तो डोर मोल्डिंग लगाई गई है और नीचे साइड पैनल जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है लाइट वाला, ये लाइट चलती है दरवाज़ा खोलने से। 2023 मॉडल का ओरिजिनल साइड पैनल इसको लगाया गया। तो फाइनल वीडियो करने से पहले मैंने आपसे बात की थी, मैं कहा क्यों ना आप उसी चीज़ की तरफ ही चलें, तो वो चीज़ है यार ये कि 2023 मॉडल का इसको क्वार्टर शीशा डाल दिया गया यार, आपको यही ही लगेगा। लेकिन नहीं, ये डाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब मंगवा ली है, ये पीस ही लगाया है तो इसका क्वार्टर। मेरा कैमरा मैन थोड़ा पीछे से दिखाए तो लुक दे रहा पूरा 2023 मॉडल का, जैसे लाइक क्रोम है उसी तरह क्वार्टर बन गया, उसी आपके जेन्युइन क्वार्टर को, कोई ऑल्टरेशन नहीं है, कोई इसमें मेकिंग नहीं है, सिर्फ डबल टेप से ये पेस्ट हो गया ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको ऑटो चैनल वन पे ही मिलता है और किसी अदारे पे नहीं मिलता। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसके डोर के ऊपर ये डोर मोल्डिंग भी लगाई गई है, आगे भी लगी गई है अवर फेंडर के ऊपर और पीछे भी लगाई गई है उसी तरह, और बड़ी खूबसूरत लुक दे रही है। इसी तरह अभी बात करेंगे बैक प्रोफाइल के ऊपर कि बैक से इसका क्या क्या चेंज हुआ। अभी बैक प्रोफाइल की बात करें तो यार बड़ी खूबसूरत लुक दे रही है ये भी। बैक प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो ये डिक्की इसकी चेंज की गई है, ये चाइना की होती है और इसी तरह ये ग्लास इसका जेन्युइन लगाया जाता है। और सबसे बड़ी जो बात करें इसकी बैक लाइटों की, बैक लाइटें लावा स्टाइल में बड़ी खूबसूरत लुक देती हैं, लेकिन ये ब्रीक वाली हैं। लोग क्या कहने मार्केट में बड़ी लाइट लगा देते हैं, वो खूबसूरत लुक नहीं देती, तो इसकी ये जर्मन लाइट लगाई गई है। उसी के साथ साथ बैक बम्पर इसका चेंज हुआ है, बैक बम्पर के साथ ही इसका बैक बम्पर पैड जो इसको स्टील एंड स्टील लुक में बहुत खूबसूरत लुक देता है, क्योंकि बम्पर के अंदर भी क्रोम होता है। उसी के साथ इसके साथ ही नीचे बॉडी किट इंस्टॉल हुई है बड़ी खूबसूरत लुक में जो आ रही है ड्यूल एग्जॉस्ट वाली। और इसी के साथ साथ
बहुत खूबसूरत लुक में जो दे रही है ना बैक पे, तो इसको ये लोगो है, ये लैंड क्रूजर डिजिट होता है नए मॉडल में, उसी तरह इसको कॉपी किया गया है। तो आपको पता नहीं तो लैंड क्रूजर के पीछे टी होता है लोगो, तो जो जनरल लुक आता है उसी के मुताबिक ही गाड़ी तैयार की जाती है ऑटो चैनल वन पे। अभी चलेंगे इंटीरियर की तरफ, कि इसका इंटीरियर पे क्या क्या चेंज हुआ है, फाइनली उधर ही बात करते हैं। यार इतनी खूबसूरत गाड़ी है, मैं इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए मैं बाहर ही खड़ा हो गया हूँ। मैं क्या यार सीट पोशी दिखाऊंगा अपने व्यूज़ को, टोयोटा इनबोज की है यार, ऐसी फिटिंग क्वालिटी वाली अंदर इंटीरियर के ऊपर, तो गाड़ी तो का पूरा शशका बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटो चैनल वन की टीम की ये मेहनत है। अगर कोशिश के बाद मैं अगर बात करूँ ना, तो वो है टीवी टेस्ट लेगी। टीवी टेस्ट आप जैसे लैंड क्रूजर नया देखें, इसके अंदर तस्वीर है और ये ओरिजिनल लैंड क्रूजर का है, और उसी के साथ साथ ऊपर भी ये डिस्प्ले देता है, ऊपर भी ये ऑन होता है, हर चीज़ मेकिंग ऑन होती है। इसी के साथ साथ जो लगा है इसको, वो स्टेयरिंग भी नए मॉडल का लगाया गया जीआर वाला, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। अंदर बैठे हुए 360 कैमरे मेरे दिखा रहे हैं कि फ्रंट लुक दिखा रहे हैं, इसी तरह साइड प्रोफाइल भी दिखाते हैं, इसी तरह बैक प्रोफाइल भी दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत लुक है यार। टीवी टेस्ला की अगर बात की जाए तो खूबसूरत है ये है कि घड़ी भी इसके अंदर आती है, इंस्टॉल है, बड़ी खूबसूरत लुक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो यार ये बड़ा पसंद है। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितना पसंद आया। और ये जेन्युइन लैंड क्रूजर है, कोई ऑल्टरेशन नहीं है इसमें पाकिस्तान में, जो ऑटो चैनल वन जैसे करता है, ये बोल्ट ऑन और बेहतरीन गाड़ी क्वालिटी वाली तैयार हुई हुई है आपकी। जैसे आप भी करवाना चाहें तो आपकी गाड़ी भी हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह आपकी 4 से 5 करोड़ वाली गाड़ी रोड पर चलती हुई ऐसे लगे जैसे 16 करोड़ की जा रही है, मुझे कंफर्म प्राइस नहीं आइडिया, लेकिन ये मैं आपको आइडिया एक प्राइस बता रहा हूँ, आपके कमेंट भी आना शुरू हो जाते हैं कि प्राइस गलत बताइए फैजान भाई ने। उसकी वजह कि आपकी क्वालिटी वाली गाड़ी ऐसे ही तैयार होती है जैसे क्वार्टर अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो चैनल वन ने की है, और ये पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज है। ये पहले किसी अदारे ने ना दिखाया होगा ना बनाया होगा, ये पाकिस्तान में पहली गाड़ी है जो पाकिस्तान में ऑटो चैनल वन ने ये लॉन्च की है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैजान अली को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे कैमरामैन तैमूर भाई, अरसलान भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।